ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अक्सर मुझे ये कमेंट्स में प्रश्न आप पूछते हैं कि हमसे लोग इतने जलते क्यों हैं, हम में लोग परेशान क्यों करते हैं, लोग हमसे जलन क्यों रखते हैं। हमने कभी तो किसी का बुरा नहीं किया, हम तो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। और ना जाने कितनी सारी बात लोगों के जलने से जुड़ी हुई आप कमेंट्स में हमें अक्सर पूछते रहते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ हमसे लोग जलते हैं, तो जरूर कमेंट्स में बताएं कि हाँ हमें ऐसा लगता है कि लोग हमसे जलते हैं। इस पूरे विषय पर हम बात करें और इस पूरे विषय को आप समझें और इसमें हल भी जानें कि हम कैसे लोगों को जलने से रोक सकते हैं, कैसे जो लोग जलते हैं इस चीज़ को हम कैसे सामना कर सकते हैं, और इस परेशानी को हम हमारे निजी जीवन में कोई भी तकलीफ ना हो उस तकलीफों से हम कैसे बच सकते हैं, ये पूरी बात बैक टू बैक हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम, जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, और स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात शुरू होती है लोगों के जलने के भाव के ऊपर। अगर आप उन्नति कर रहे हैं, आप थोड़ी सी तरक्की कर रहे हैं, आप अच्छा जीवन से जी रहे हैं, वो आपकी बराबरी के लोग हैं, आप उनसे आगे निकल रहे हैं, तो एक स्वाभाविक सी मानवीय स्वाभाविक सी बात है कि वो आपसे जलते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जब आदमी एक पिक टाइम की ओर जाता है, जब आदमी एक सकारात्मक वे में जाता है, तो कई सारी चीज़ें छोड़ते जाता है, क्योंकि उसमें एक नैसर्गिक बहुत बड़े बदलाव आते हैं और उन बदलावों में अपनी वाणी पर कई बार विराम नहीं होता है, कई बार वो ऐसी गलतियाँ कर देता है कि जिससे किसी का दिल दुख जाता है, वो चीज़ों को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक उन्नति की दौड़ में होता है, तो वो बहुत सी चीज़ें छोड़ते हुए जाता है और उसका जो नज़रिया है वो पूरा बदल जाता है। तो एक मोटे तौर पर ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। अब इससे बचने का तरीका यही है कि चाहे आप कितनी भी उन्नति कर रहे हैं, कितने भी शिखर पर पहुँचे, अपनी ज़मीन ना छोड़ें। और आप जैसे लोग नहीं छोड़ते हैं, पर कई बार लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है या इस तरह से चीज़ें होती है। कई बार हमारा भाव शुद्ध होता है कहने का, लेकिन सामने वाला गलत तरीके से समझ जाता है। हम तो वहीं उस भाव में ही रह रहे हैं जैसे गरीबी में थे, जैसे सामान्य हालातों में थे, पर लोगों का देखने का नज़रिया भी यहाँ बदल जाता है। तो उस समय भी आपको अतिरिक्त सावधानी रखना है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप इस बात को समझ लें कि जब भी कहीं हो, वही अपनी पहले की जो आदतें हैं उन्हें नॉर्मलाइज रखें। जैसे पहले थे आप वैसे ही नॉर्मल वे में रहें, अपने व्यवहार में कोई बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी उसी व्यवहार के कारण, आपकी अच्छाई कारण आप इस बड़े मुकाम पर हैं। दूसरी बात है कि अगर कोई जलता है, आपको लगता है जल रहा है, तो आप उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपसे जल रहा है तो उसके अंदर एक नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी उसी के लिए हार्मफुल है, न कि आपके लिए। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को परेशान करना चाहते हो तो आपको भी उसके लिए परेशान होना पड़ेगा, तभी तो हम किसी को परेशान कर पाएंगे। तो ये बात अपने दिमाग से जैसे आप निकाल देंगे, तो कई बार हमारे पर एक नेगेटिव प्रेशराइज जो होता है कि ये ऐसा कर देगा, वो कर देगा, इससे भी आप बाहर आ पाएंगे। और तीसरी बात कि आप लोगों की मदद करते रहे, आप अच्छा काम करते रहे। जो भी जलने वाले लोग हैं या जिस जो भी उनकी भाव है, ईश्वर आपके हमेशा साथ है और कभी भी आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।